नमस्कार दोस्तों, आपके स्क्रीन पर जो नक्शा दिख रहा है वो भारत का नया नक्शा है। और मैं बता दूं कि जो नक्शा आप देख रहे हैं, दरअसल ये नक्शा फेक है। इसे तत्काल बना दिया गया था और ये काफ़ी वायरल भी हुआ था, लेकिन हाल ही में भारत सरकार ने इसका ऑफिशियल जो नक्शा है, यानी जम्मू कश्मीर का जब विभाजन हुआ है, अनुच्छेद 370 को हटाया गया और फिर लद्दाख और जम्मू कश्मीर नाम का दो केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो लोगों ने अनुमान के आधार पर यह नक्शा बना दिया था, जहां आप देख रहे हैं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर का ये नक्शा। गौर से देखिएगा, मैं आपको ऑफिशियल नक्शा दिखाता हूं जिसे भारत सरकार ने जारी किया है। देखिए, ऑफिशियल नक्शा में आप देख रहे हैं लद्दाख का एरिया कुछ बड़ा है और जम्मू कश्मीर का एरिया छोटा है। यहाँ आपको राजधानी भी स्पष्ट दिख रहा है, लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। एक बार फिर से वो जो पुराना नक्शा जो वायरल हुआ था, उस नक्शा को देखिए, बहुत अंतर है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो इलाका है वो लगभग लगभग बराबर कर दिया गया था यहाँ। लेकिन जो ऑफिशियल मैप अभी अभी जारी हुआ है, उस आप देखेंगे कि लद्दाख जो है उसका एरिया बड़ा है और जम्मू कश्मीर का एरिया छोटा है। तो ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है जिसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज अब आसानी से गूगल पर भी उपलब्ध हो जाएगा। तो याद रखिएगा, भारत में अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, दो भागों में बट गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इस तरह से 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। धन्यवाद।